हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एलटी में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एंड दोस्तों, यह सीरीज नंबर 49 है। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि यदि इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। एंड दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जोड़ों के चारों ओर संभावित संचालन का परास रेंज कहलाता है। तो दोस्तों, जोड़ों के चारों ओर जो क्रिया या अभ्यास जो एक लंबे प्रसार ग्रेटर रेंज के साथ किया जाता है, परास के साथ किया जाता है, उसे हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, लचीलापन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लचीलापन लाने के लिए खींचने वाले प्रमुख व्यायाम निम्नलिखित में से कौन है? स्ट्रेचिंग व्यायाम। यहाँ पे ऑप्शन है हेमस्ट्रिंग, ग्लूटियस, क्वाड्रिसेप्स, ट्राइसेप्स या कंधे। तो दोस्तों, यहाँ पे जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो ये सभी मसल्स का यूज करते हैं। तो ये लचीलापन, सभी मसल्स जो एक्सरसाइज करेंगे हम, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो ये हमारे लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी ये सभी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लचीलेपन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? दौड़ना, मालिश, तैराकी, योग। तो दोस्तों, यहाँ पे योग जो है, जो विभिन्न स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं, आसन होते हैं, ये सब योग की सभी क्रियाएं फ्लेक्सिबिलिटी को बनाने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण स्ट्रेचिंग अभ्यास एक उत्कृष्ट विधि है। किसका उत्कृष्ट विधि है दोस्तों? स्ट्रेचिंग अभ्यास लचीलापन बढ़ाता है। तो यह ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लंबे समय तक लचीला बने रहने के लिए स्ट्रेचिंग व्यायाम उत्कृष्ट विधि है। ठीक है, स्ट्रेचिंग एक ऐसा अभ्यास है जो वर्कआउट के बाद थकान को भी दूर करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालिश की एफ्यूलरेज तकनीक है। दोस्तों, मालिश जो है, मसाज जो है, चार प्रकार का होता है, स्ट्रोकिंग, प्रेशर, परक्यूजन, सेकिंग। स्ट्रोकिंग का मतलब होता है सहलाना, प्रेशर का मतलब दबाना, परक्यूजन मतलब थपथपाना, सेकिंग मतलब झकझोरना या मिलाना। इस चार प्रकार के मालिश होते हैं। इसमें क्या पूछा है कि मालिश की एफ्यूलरी तकनीक है। तो दोस्तों, एफ्यूलरी तकनीक किसका है? मालिश चार प्रकार का होता है, उसमें से पहला प्रकार होता है स्ट्रोकिंग यानी कि सहलाने की हस्त कौशल विधि। और सहलाने की हस्त कौशल विधि यानी कि स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन जो होता है, मसाज होता है, और दो प्रकार का होता है, एफ्यूलरेज एंड स्ट्रोकिंग। तो क्या है, तो एफ्यूलरेज किसका भाग है? स्ट्रोकिंग मसाज का। तो स्ट्रोकिंग मतलब होता है सहलाने के हस्त कौशल विधि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, सहलाने के हस्त कौशल विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मांसपेशियों की ताकत और ज्वाइंट्स का लचीलापन संतुलन में है, तो हम क्या समझेंगे? जब मांसपेशियों की ताकत भी और ज्वाइंट्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो संतुलन में है, तो इसका मतलब होता है कि आपके शरीर में मुद्रा सही जगह पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? उच्च नब्ज दर, धीमा स्वास्थ्य लाभ, धीमी चाल, धीमी थकावट। तो दोस्तों, पहली बार आप कोई चीज कोई प्रशिक्षण करेंगे, आपको बहुत ज्यादा थकान होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप उस चीज में प्रशिक्षित हो जाएंगे तो आपको थकावट कम होगी। तो यहाँ पे धीमी थकावट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल होने के लिए धावक चयन करते हैं, क्या चयन करते हैं? उचित
कदम की लंबाई की उचित कदम की आवृत्ति की उचित कदम की लंबाई एवं दर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उचित कदम की लंबाई एवं दर को वो चूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन अध्ययन यानी लर्निंग का घटक है क्या है? पर्यावरणीय मांग, धन, समय, सुरक्षा, क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर्यावरणीय मांग जैसा होता है, जैसा आपकी आवश्यकता होता है, एनवायरमेंट होता है, उसके आधार पर आप लर्निंग करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन की एक विधि है कहानी लिखना, लिखना, खोजना, प्रदर्शन। तो दोस्तों यह प्रदर्शन की, अध्यापन की एक विधि प्रदर्शन है। ठीक है, इससे शिक्षक कौशल में छात्र एवं शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहते हैं और यह सबसे प्रभावशाली शिक्षा विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है क्या? सभ्य, अच्छा निष्पादन, निष्पादक यानी परफॉर्मर, युवा, स्मार्ट। तो इसमें शारीरिक शिक्षा क्या गुण होना चाहिए दोस्तों? अच्छा निष्पादक यानी अच्छा परफॉर्मर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों विशेषज्ञों के अनुसार एक शारीरिक शिक्षा में बुद्धिमान, मेधावी, सहायक, अच्छा निष्पादक, उत्साही एवं निपुणता, विश्वसनीयता, आदर्श, चरित्रवान, सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के बीच के आपसी मतभेद कम होने के कारण है? अच्छी सोच, मेहनत, निपुणता, ये तीनों। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों हो जाएगी, अच्छी सोच, मेहनत, निपुणता, तीनों आपस में मतभेद कम होने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन यह है क्या है दोस्तों? चित्र है कि चार्ट है कि ड्राइंग है कि दृश्य श्रव्य साधन है? तो दोस्तों खेलों के लिए सबसे उपयोगी दृश्य श्रव्य साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोच का गुण होना चाहिए खुला दिमाग, समायोजन, स्वार्थी, आत्मविश्वास। तो एक कोच का गुण क्या होना चाहिए दोस्तों? वह आत्मविश्वासी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रशिक्षक अथवा कोच के निम्नलिखित व्यक्तिगत गुण होना चाहिए, वह बुद्धिमान, मेधावी, सहायक, सहयोगी, विश्वसनीय, उत्साही, आत्मविश्वासी, आदर्श, चरित्रवान, सहानुभूति, भरोसे योग्य, विनोदी, सक्रिय, परिपक्व, मैत्रीपूर्ण, सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का उच्च स्तर होना चाहिए उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटअप का उद्देश्य है, जैसा कि आप सब सबको पता है कि सीटअप पेट की पेशियों की शक्ति को सुधारता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों यहाँ पे अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? तो अभ्यास किसी चीज की तैयारी के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यमान कक्षा की तैयारी के लिए आपका अभ्यास जरूरी है। यह नियम कुछ बहुत कुछ उपयोग अनुपयोग की तरह है, अभ्यास के नियम जैसे कि थार्नडाइक ने दिया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। इसमें से अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा गया है, उपयोग अनुपयोग का नियम, यानी कि जिस चीज का आप उपयोग करते रहेंगे वो आपका और सुदृढ़ होता जाएगा, जिसका उपयोग करना बंद कर देंगे वो आपसे भूलता जाएगा, वह निष्क्रिय होता जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है? तो दोस्तों किसी भी चीज का पहला कदम योजना बनाना होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता योजना के ब्लू प्रिंट को क्या कहा जाता है? प्रतियोगिता योजना के ब्लू प्रिंट को क्या कहा जाता है दोस्तों? रणनीति यानी स्ट्रेटजी। तो योजना के ब्लू प्रिंट को स्ट्रेटजी यानी रणनीति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है क्या है दोस्तों? मैदान होता है शारीरिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, क्योंकि वहीं पे शारीरिक शिक्षा में चरित्र के निर्माण के गुण विकसित होते हैं और प्रयोगशालाएं भी, क्योंकि इसीलिए इसे चरित्र निर्माण की प्रयोगशाला भी बोला जाता है मैदान को। शारीरिक शिक्षा में पाठ्य योजना का अधिकांश भाग
मैदान यानी ग्राउंड से संबंधित होता है, जैसा कि आप सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि है। तो खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुप्रेषण यानी रिडायरेक्शन। ठीक है, ये प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि होता है, अनुप्रेषण रिडायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वे गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण कराते हैं तो किस कारक का ज्ञान उनको होना चाहिए? शक्ति का उत्पन्न होना, की शक्ति का प्रयोग, की शक्ति का अवशोषण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी ज्ञान होना चाहिए उसको जब वो गति से संबंधित किसी क्रिया का शिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को जब वो गति संबंधित क्रिया का शिक्षण दे रहे हैं तो उन्हें शक्ति के उत्पन्न होना यानी कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ फोर्स, शक्ति के प्रयोग अप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तथा शक्ति के अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फोर्स का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा शिक्षा अप्रभावी हो सकता है तथा छात्रों की भी सक्रिय सहभागिता प्रभावित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जा सकती है। एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता इससे प्राप्त की जा सकती है किससे? तैराकी, सर्किट ट्रेनिंग, शॉर्ट स्प्रिंट, लंबी दूरी की दौड़। तो दोस्तों यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग से भी एरोबिक फिटनेस प्राप्त किया जाता है, बट यहाँ पे क्या पूछा है कि श्रेष्ठता सबसे अधिक किसमें पाया जाएगा? जितना लंबा समय होगा उतना ही आप श्रेष्ठ पाएंगे, जैसे कि लंबी दूरी की दौड़ है तो उसमें एरोबिक फिटनेस सबसे ज्यादा प्राप्त की जा सकती है लंबी दूरी की दौड़ में। ठीक है, क्योंकि जिसे करने के से शरीर में दोस्तों एरोबिक से आस है ऐसे व्यायाम से है जिसे करने से शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, लंबी दूरी की दौड़ से एरोबिक फिटनेस श्रेष्ठता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक फिटनेस को किसके माध्यम से सबसे अच्छा हासिल किया जा सकता है? तो इसमें भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंबी दूरी की दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा का शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो दोस्तों 18वीं शताब्दी में शारीरिक शिक्षा में शिक्षा का शिक्षा शिक्षा में महत्व की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों रूसो ने बच्चों की शिक्षा को शारीरिक अथवा मानसिक भागों में विभाजित कर उनके संपूर्ण विकास पर बल दिया। वर्तमान में शारीरिक क्रियाकलापों एवं व्यवहार का महत्व अधिक बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको छांटना है कौन शारीरिक शिक्षा की सबसे प्रमुख शिक्षा विधि है। मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे प्रमुख विधि कौन है? तो ये सभी प्रमुख विधि हैं, प्रोजेक्ट विधि, मिरर विधि, उपकरण प्रदर्शन अनुकरण विधि, उपयुक्त सभी सारी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वास्थ्य शिक्षक एक कक्षा को आलोचना से निपटने के तरीके पढ़ा रहा है। एक स्वास्थ्य शिक्षक क्या रहा है? एक स्वास्थ्य शिक्षक क्या कर रहा है? एक कक्षा को आलोचना से निपटने के तरीके बता रहा है। ठीक है, और आलोचना के लिए निम्न प्रतिक्रियाओं में से कौन सा शिक्षक द्वारा अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे अच्छा है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको यदि किसी चीज का आलोचना करना है तो आप में कौन सी क्षमता होना चाहिए कि आप उस चीज की आलोचना कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि स्थिति की वास्तविकता को पहचानना और तर्क से इसे निपटना। दोस्तों जिस चीज की आप आलोचना कर रहे हैं यदि आप उस चीज के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं, वास्तविकता से उससे पहचान है आपका, तो उसे आप तर्क से निपट सकते हैं। ठीक है, यही अभिव्यक्ति करने के लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता मिली। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई, कब दिया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी 1882 ईस्वी में दिया गया, और इसमें हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था पर
संस्तुति प्रदान करने के लिए 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने किया था। इसकी संस्तुतियों में बच्चे के शारीरिक विकास को खेलों के माध्यम से करने तथा उनमें चारित्रिक व अनुशासनात्मक विकास पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास का हवाला देता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आवर्तनीकरण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन, अवधिकालीनता का सिद्धांत, जो सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास से संबंधित है। मोटर कौशल किसी कार्य को अधिकतम निश्चिंता, न्यूनतम ऊर्जा और न्यूनतम समय में करने की क्षमता से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल कूद प्रशिक्षण में अति भार का संबंध उस स्थिति से है जब, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अतिभार कब होता है, ओवरलोड कब होता है, जब आप जितना आपको शरीर को ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना आपको वो पूरा नहीं कर पाता है, तो शरीर में थकावट आने लगती है, ओवरलोड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण शरीर की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, ठीक है। तो खेलकूद प्रशिक्षण में अतिभार ओवरलोडिंग का संबंध अतिभार के सिद्धांत से है। ठीक है, अतिभार के सिद्धांत से है, जिसके द्वारा किसी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेंड्स पर अतिरिक्त भार या कार्य बढ़ाकर अभ्यास कराया जाता है। इस दौरान ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण जो होता है शरीर की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, नहीं पूरा कर पाता है, अपर्याप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए दोस्तों, एंड डेली बेसिस पे वीडियो वॉच करते रहिए। डेली बेसिस पे आपके लिए मैं वीडियो बनाती रहूंगी, और जितने भी टॉपिक सभी छूटे हुए हैं टॉपिक वाइज, वो सभी टॉपिक आपको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। तो दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।